रियलमी जी टी टू सीरीज। जी हाँ दोस्तों, रियलमी जी टी टू सीरीज ऑफिशियली इस चैनल में लॉन्च हो चुका है। एंड दोस्तों, रियलमी जी टी टू सीरीज जो है इसे दोस्तों रियलमी का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन अभी तक का कहा जा रहा है। सो दोस्तों, स्पेक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा क्रेजी निकल के आई है रियलमी जी टी टू सीरीज के। शायद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसी स्पेक्स के बारे में। एंड साथ ही ये देखेंगे कब तक इंडिया में ये लॉन्च हो सकती है एंड किस प्राइस रेंज के साथ ये इंडिया में हमें देखने को मिलने वाली है। तो सारा कुछ बात करने वाला हूँ रियलमी जी टी टू सीरीज के। सो अब वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चले करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकंड। रियलमी की इस जी टी टू सीरीज में बेसिकली से आपको टोटल दो स्मार्टफोन देखने को मिलेगी। फर्स्ट दोस्तों आपको रियलमी जी टी टू एंड सेकेंड दोस्तों रियलमी जी टी टू प्रो। तो पहले हम बात कर लेते हैं इस दोनों स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी एंड साथ ही प्रोटेक्शन की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इको फ्रेंडली पेपर बैग देखने को मिलने वाली है। जब आप इसमें स्मार्टफोन को फील करोगे या हाथ में लोगे तो यहाँ पे आपको एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर महसूस होगी। एंड साथ ही अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन की। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको गोरिल्ला ग्लास वेक्टर्स का सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन के मामले में तो ये सीरीज दोस्तों कहीं ना कहीं एक टॉप नॉच होने वाली है। डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पे आपको Realme GT 2 Pro में बेसिकली एक 6.7 इंच की क्वाड HD रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको एक 120Hz रिफ्रेश रेट का स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको 1000Hz स्क्रीन सैम्पलिंग रेट भी इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इस डिस्प्ले में आपको HDR 10+ का यहाँ पे सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिल जाती है। एंड प्लस ये फ़ोन 10 बीट पे बेस्ड है। तो ओवरऑल बात करो तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड नेक्स्ट आप बात करो तो यहाँ पे आपको रियलमी जी टी टू का, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेज की एक FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। एंड इसमें भी आपको दोस्तों एक 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले जो है दोस्तों फास्ट वाली AMOLED डिस्प्ले के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको 50% कम यहाँ पे आपका बैटरी कंज्यूम करने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करो तो दोनों ही डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। एंड दोस्तों आपको कुछ भी आप गेमिंग भी करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाली है। पावर की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको एक टॉप नॉच का SoC देखने को मिलती है। बिकॉज दोस्तों आपको रियलमी के जी टी टू प्रो में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट SoC स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का SoC देखने को मिलती है, जिसका दोस्तों अंतुतु स्कोर यहाँ पे आपको दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड साथ ही दोस्तों रियलमी के जी टी टू में यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 888 SoC देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों दोनों ही फोन में आपको सोनी IMX 766 का 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाती है। एंड सेकेंड दोस्तों यहाँ आपको रियलमी जी टी टू प्रो में यहाँ पे आपको एक 50 MP का सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों अल्ट्रा वाइड होने वाला है। एंड तीसरा कैमरा भी आपको एक देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों सिंपली से एक आपको माइक्रो लेंस आप बोल सकते हो इसे। एंड फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 32 MP का आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलने वाली है। स्टोरेज की बात करो तो यहाँ पे आपको टोटल इस सीरीज में 4 स्टोरेज वेरियंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट दोस्तों 8 GB 128 GB, सेकंड दोस्तों आपको 8 GB 256 GB, एंड थर्ड वन आपको दोस्तों 12 GB 256 GB, एंड लास्ट वन यहाँ पे आपको 12 GB 512 GB के साथ देखने को मिल जाएगी। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों रियलमी जी टी टू प्रो की जो बेस वेरियंट है 8 GB 128 GB, वो चाइना में दोस्तों अप्रॉक्स से 43,000 के आसपास लॉन्च किया है। एंड दोस्तों बात करें इंडिया में कितना प्राइस के साथ ये जो बेस वेरिएंट है रियलमी जी टी टू प्रो की वो लॉन्च कर सकती है, तो वो दोस्तों अप्रॉक्स से आपको इंडिया में 45 या 46,000 तक देखने को मिल जाएगी इसकी बेस वेरिएंट। एंड रियलमी जी टी की बेस वेरिएंट की बात करें तो जो कि दोस्तों 8 GB 128 GB, वो अप्रॉक्स से आपको दोस्तों 40,000 के अराउंड देखने को मिलने वाली है इंडिया में। एंड लास्ट आप बात करें कि लॉन्च कब तक कर सकती है, तो लॉन्चिंग की बात करो तो दोस्तों ये फरवरी के शुरुआत में ही आपको इसका लॉन्चिंग, इस सीरीज का लॉन्चिंग कन्फर्मी से 110% आपको ये लॉन्च इंडिया में देखने को मिलने वाली है फरवरी के आसपास। सो दोस्तों यही कुछ क्रेजी स्पेक्स थी इस फोन की। सो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बिकॉज दोस्तों आप लोग के एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों तब तक के लिए जी हां, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।